किशनपुर विधायक अमीन कागजी निकले क्षेत्र के दौरे पर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बिल्कुल जर्जर हैं, जैसे हेरिटेज वॉकवे में सरकार प्राइवेट बिल्डिंगें वो दुरुस्त कर रही है, वो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो उसके पीछे आज हमारा सिर्फ एक ही मंतव्य था कि हम सारे अधिकारियों के साथ लेके जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, योजना जो हमारी हैं, उनका एक रिव्यू करें। सरकार के पास फीडबैक ये था जो आप लोगों ने दिया था कि जो विधायक हैं वो संतुष्ट नहीं है स्मार्ट सिटी के कार्यों से। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का 70% काम जो है मेरे और महेश जोशी जी के विधानसभा क्षेत्र में है, और हमारा मानना ये है कि जो भी हम प्रस्ताव देते हैं या जो भी हम काम सरकार में अनुशंसा जिसकी करते हैं वो अक्षर से पालना होती है। ये जरूर है कि जो हमने काम करने के लिए दिए उसमें थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं टाइम से, जो जल्दी होने चाहिए। इसी को लेकर मैं पिछले हफ्ते मंत्री जी से मिला था व्यापारियों के साथ में, तो मंत्री जी ने हमारे LAG सेक्रेटरी भवानी देथा जी से हमारी बात कराई और सारे अधिकारियों के साथ हम ये चाहते हैं कि जो पैसा सरकार लगा रही है, हम लगा रहे हैं सरकार के माध्यम से स्मार्ट सिटी में, वो लोगों को उसका फ़ायदा मिले। स्मार्ट सिटी का जो ये चल रहा है सर, तो उसमें ये भी शिकायत आ रही है कि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, लोगों को परेशानी है, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक है कि काम सही नहीं चल रहा। इसमें बेसिकली स्मार्ट सिटी का पिछले 2 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस सुधरी भी है, जयपुर में भी सुधरी है, और शहर तो राजस्थान के 4 शहरों में, कोटा उदयपुर तो बहुत आगे हैं, अजमेर भी काफ़ी आगे बढ़ा, जयपुर में जरूर कुछ परेशानियां रही है, अभी गति पकड़ी है। मंत्री जी ने निर्देश दिए थे, मंत्री जी सीएम साहब ने भी रिव्यू लिया था लास्ट ईयर, मंत्री जी भी रिव्यू लेते रहते हैं, तो इसमें बात आई थी कुछ व्यापारियों के इश्यूज़ थे, कुछ पार्किंग के इश्यूज़ थे, कुछ बरामदे के चीज़ें थी, कुछ और जो काम थे जो टूरिज़्म के हिसाब से मूव करने हैं, उसके साथ साथ नगर निगम जो जनरल साहब से वो भी देखने हम लोग निकले हैं। CEO साहब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर प्रयास करें। सरकार ने CEO नगर निगम और स्मार्ट सिटी CEO को एक किया है, उसका जो पर्पज़ है वो पूर्णतः अभी सिद्ध होना चाहिए, और टीम हमारे इंजीनियर्स वगैरह और एक्टिव हो, फील्ड में जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स को देखें, काम समय पे करें, उनको गाइड करें, हेरिटेज एक्सपर्ट हमारे पास है वो भी फील्ड में जाए। वैसे वो मेन है फील्ड में जाके अच्छे से सही से काम करें सरकार की मंशा अनुरूप। स्कूल के काम हमने देखे, अपने ये देखें, मंदिरों के काम देखे, लाइब्रेरी के काम देखा, तो एक दरबार लाइब्रेरी देखी, अभी एक दो जगह और काम देखेंगे, चौगान स्टेडियम में गति पकड़ी है, लेकिन डेफिनेटली और बेहतर करने की। कोविड में मंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं, हम लोगों ने कोविड में काफ़ी काम किए थे, उसके कारण पूरे स्टेट कंट्री में राजस्थान स्मार्ट सिटी नंबर 1 पे है, और आगे भी और बेहतर करेंगे, जयपुर में स्थिति और सुधरेगी। जयपुर में एक पॉइंट है, JDA भी है, नगर निगम भी है, पुलिस भी, कई सारी एजेंसीज है, तो सबको तारतम्यता लेके तालमेल करा के हम लोग कोशिश करेंगे राज्य सरकार की मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस की पूर्णता पालना। शहर के लोग उम्मीद करेंगे जल्दी सुधरेंगे, हालात डेफिनेटली सुधर रहे हैं और भी सुधरेंगे, और जो हमारे काम लिए गए हैं कोशिश करेंगे विद इन एन ईयर पूरे हो, और SMS हॉस्पिटल में 400 करोड़ में सभी एक्टिव हुए हैं, उसमें मंत्री जी के डायरेक्शंस, IPD टावर में रघु शर्मा जी, मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग ली, उसके टेंडर भी अभी रिसीव हो गए हैं, जल्दी वर्क ऑर्डर शायद JDA दे देगा, तो ऐसे कई काम किए जा रहे हैं, चौगान में हो रही है, स्टेडियम बन रहा है, गणगौरी में हॉस्पिटल बन रहा है, रोड्स बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, काफ़ी कार्य कर रहे हैं जो सरकार स्मार्ट, उसके साथ साथ गवर्नर हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन और महात्मा गांधी जी महाराणा प्रताप की जीवनी का चित्रण होगा, विधानसभा में लोकतंत्र का म्यूजियम बन रहा है, तो सरकार पूर्णतः प्रयासरत है, आदरणीय धारीवाल साहब और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार क्षेत्र के दौरे पर किस तरीके के हालात है, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य जो हुए हैं उसका अवलोकन करते हुए अमीन कागजी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, वो अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं, उनको लगातार फीडबैक भी दे रहे हैं काम को लेकर।